पीते वह उसे बिल्कुल नहीं देता। रात के समय वह ऊँट को खोल देता। ऊँट गांव के बाहर इधर उधर भटककर पेड़ों की पत्तियां खाकर अपना पेट भरता था। किसान उसे चारा पानी कुछ भी नहीं देता था और खोल देता था ताकि वह गांव में चारों तरफ घूमकर पेड़ों की पत्तियां खाकर अपना पेट भर ले। प्रातःकाल यानी सुबह के समय शीघ्र ही किसान उसे पकड़ कर ले आता। सुबह के समय वह जल्दी ही जाकर किसान ऊँट को पकड़ कर लिया था। ऊँट दिन भर किसान के खेत में काम करता, उसकी गाड़ी खींचता, परंतु किसान था कि उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता। तनिक यानी जरा सी भी, किसान उसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करता। यूं ही दिन बीतते रहे, एक दिन के बाद दूसरा दिन, यूं ही दिन निकलते रहे। एक रात ऊंट की भेंट, भेंट यानी मुलाकात। एक रात ऊंट की भेंट एक सियार से हुई। सियार ने उससे मित्रता कर ली, उसे अपना दोस्त बना लिया। वास्तव में सियार जानता था कि बड़ी डील डोल वाला यह प्राणी भविष्य में उसके काम आ सकता है। इस कारण उसने उससे मित्रता कर ली। भविष्य में यानी आने वाले समय में जो ऊंट है वो उसके किसी ना किसी काम जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वह बहुत बड़ा है और सभी जानवरों से उसका डील डोल यानी शरीर उसका बड़ा है, तो वह किसी ना किसी प्रकार उसके काम जरूर आएगा। ऊंट को धूर्त सियार की वास्तविकता का कुछ भी पता नहीं चला। ऊंट को सियार की इस चालाकी का बिल्कुल भी पता नहीं चला। सियार और ऊंट रात को मिलने लगे। सियार ऊंट के प्रति सहानुभूति प्रकट करता, सहानुभूति यानी हमदर्दी, उसके प्रति हमदर्दी प्रकट करता, और ऊंट उससे अपने प्रति होने वाले अत्याचार का वर्णन करता। और ऊंट क्या करता? अत्याचार यानी जो उसके ऊपर बुरा व्यवहार हो रहा है, किसान उससे जो बुरा व्यवहार कर रहा है उसका वर्णन यानी ये सब कुछ कहता जो उसके साथ हुआ है। जो भी किसान उसके साथ करता सारी बातें ऊंट सियार को बताने लगा। एक रात सियार ने ऊंट से लाभ उठाने का निर्णय कर लिया। उसने क्या सोचा? ये ऊंट इतना बड़ा है, अब क्यों ना क्यों हम इसका फायदा उठाएं। रात के समय जब उसकी भेंट ऊंट से हुई तो वह बोला, भाई ऊंट तुम ये पत्तियां खा खा कर कब तक अपने आप को सताते रहोगे? यानी रोजाना ही तुम एक जैसी पत्तियां खाते हो, वही तुम्हारा टेस्ट रहता है, वही स्वाद आता है तुम्हें, तो तुम परेशान नहीं होते हो? क्या तुम्हें स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का शौक नहीं है? क्या तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक नहीं है? ऊंट बोला, भाई सियार मेरे भाग्य में कहां ये सब वस्तुएं, मुझे तो पत्तियां मिल जाए यही बहुत है। ऊंट ने क्या कहा कि मुझे किसान तो कुछ देता नहीं है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ स्वादिष्ट वस्तुएं, मुझे तो ये पत्तियां मिल जाती है यही बहुत है। वास्तव में सियार को खबर मिली थी कि नदी के पास जो खेत है वहां पर बहुत से तरबूज और खरबूज हैं। सियार को क्या पता था कि नदी के उस तरफ जो खेत है उसमें तरबूज और खरबूज दोनों बहुत सारे हैं, वह उन्हें खाना चाहता था। लेकिन नदी पार करना उसके वश में नहीं था। क्यों? क्योंकि सियार हाइट में छोटा होता है, उसकी इतनी लंबाई नहीं होती। अगर वह नदी पार करता तो वह डूब जाता। तो उसने क्या सोचा कि ऊंट पर सवारी करके नदी सरलता से आसानी से पार की जा सकती है, कि ऊंट तो बड़ा है, ऊंट नदी में डूबेगा नहीं, तो मैं क्यों ना इस ऊंट के ऊपर बैठकर अपनी नदी पार कर लूं और तरबूज और खरबूज खाकर अच्छा अच्छा स्वाद ले। ऊंट ने कहा, नहीं नहीं मैं तुम्हें इस प्रकार, सियार ने मुझसे कहा, नहीं नहीं मैं तुम्हें इस प्रकार दुखी होते नहीं देख सकता। आज मैं तुम्हें दावत दूंगा, यानी मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे स्वादिष्ट चीजें खिलाऊंगा। नदी पार मेरे मित्र का खेत है, उसने उससे क्या किया, झूठ बोला।
अगर वह सच बता देता कि हम किसी दूसरे के खेत में जाके खाएंगे तो ऊंट नहीं खाता। तो उसने सियार ने ऊंट से झूठ बोला कि नदी के पार, नदी के दूसरी तरफ मेरे मित्र का एक खेत है, मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर नदी के पार ले चलो। वहाँ उसने स्वादिष्ट तरबूज और खरबूज उगाए हुए हैं। और ऊंट क्या हुआ, उसकी बात में आ गया, क्योंकि ऊंट उसे अपना मित्र समझता था। ऊंट उसकी बातों में आ गया और उसे अपनी पीठ पर बैठा कर चल दिया। नदी पार जाकर ऊंट ने सियार को अपनी पीठ से उतार दिया। सियार ने उससे कहा, इन खेतों में वह निर्भय होकर, यानी बिना डरे, निर्भय यानी बिना डरे वह तरबूज और खरबूजे खा सकता है। यह कहकर सियार एक और जाकर खाने लगा। वह जल्दी जल्दी खा रहा था। क्यों खा रहा था? क्योंकि उसे पता था कि यह खेत उसके मित्र का नहीं है। तो सियार जल्दी जल्दी खा रहा था कि कहीं खेत के रखवाले उसे देख न ले। उसने शीघ्र ही अपना पेट भर लिया और उसने जल्दी से क्या कर लिया, अपना पेट भर लिया। परंतु ऊंट अभी भी तरबूज खा रहा था। बड़ा आकार होने के कारण उसका पेट भी बड़ा था। ऊंट बड़ा था, उसका पेट भी बड़ा था, उसे ज्यादा खाना था, तो ऊंट का पेट भरा नहीं। जब काफी देर हो गई तो सियार ने सोचा कि यह तो सारी रात खाता ही रहेगा। वह क्यों न जोर से स्वर निकाल कर रखवालों को जगा दूं। अब उसका खुद का पेट तो भर गया था, तो उसने क्या सोचा कि अगर ये ऊंट सारी रात खाता रहा तो हम पकड़े जाएंगे और खेत के रखवाले आएंगे तो ऊंट को भगा देंगे। तो उसने जोर से आवाज निकाली, स्वर यानी जोर से आवाज निकाली, ताकि जो उस खेत की रखवाली कर रहे थे वे रखवाले जाग जाएं, उठ जाएं, वे इसे मारकर खेत से निकाल देंगे और यह वापस चलने को मजबूर हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। किसने किया? सियार ने जोर से आवाज निकाली और रखवाले उठ गए। सियार का ऊंचा स्वर सुनकर रखवाले जाग गए। उन्होंने देखा कि ऊंट सारी फसल को चट कई किए जा रहा है। उन्होंने लाठियों से ऊंट को बहुत मारा। उन्होंने क्या किया ऊंट को निकालने के लिए, ऊंट की बहुत पिटाई की। और सियार छिपकर यह सारा तमाशा देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं भी जाऊंगा तो रखवाले मेरी भी पिटाई कर देंगे। अगर वह सच्चा दोस्त होता तो वह ऊंट की हेल्प करता, उसे बचाने के लिए आता, लेकिन वह अच्छा दोस्त नहीं था, इसलिए ऊंट को बचाने के लिए नहीं आया। इस प्रकार कुसंग के कारण, यानी बुरी संगति के कारण, ऊंट को न केवल चोरी करनी पड़ी अपितु चोरों की मार भी खानी पड़ी। वह समझ गया कि यह सियार की ही शरारत है, परंतु वह बोला कुछ नहीं। लंगड़ाता हुआ वह खेतों से बाहर निकला और सियार को वहीं छोड़कर अकेला ही नदी में प्रवेश यानी चला गया और उसने नदी पार कर ली और सियार को वह वहीं छोड़कर चला गया। इसलिए हमें बुरे दोस्तों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। जब हमें ज़रूरत हो तब हमारे दोस्त हमारी मदद करें। आप आपको यह पाठ फिर से दो बार पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है। ओके।